नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव बायवेदा क्लिनिक से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं मिसेस कमलेश जी। ये जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये जिस तरह की कंडीशन में हमारे पास में आई थी, हम इन्हीं से समझेंगे। आप इनके बेटे भी हैं और समझेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम थी, कैसी समस्या ये हमारे पास लेकर के आए थे कुछ दिनों पहले, और अभी किस तरह की फीलिंग है इनके पास में, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इन हमारे पास ट्रीटमेंट का, वो इन्हीं से समझेंगे क्या दिक्कत हो रही थी इन्हें। EL4 EL5 की सर नसें दब रही थी मम्मी। हाँ, नसें ज़्यादा दबा के जा गया था। हाँ हाँ, तो फिर डॉक्टर को दिखाया गया तो ऑपरेशन के लिए बताया गया। कहाँ पे दिखाया था आपने? दिखाया गया था मेदांता में। अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए बताया। इसके बाद आपके बारे में जानकारी हुई, आपके पास मम्मी को लेकर के आए। हाँ, फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला। 10-15 दिन के अंदर ही मम्मी अपने पैर पे खड़ी हो गई, हम गोद में लेके आए। हाँ, मेरे पास जब आई थी तो इनको कैथेटर पड़ा हुआ था जी, यानी यूरिन और बावल कंट्रोल बिल्कुल एकदम खत्म था इनका। और उसके पहले आप जो है इनको कहीं एडमिट भी कराए थे जहाँ पर इनको कैथेटर दिया गया था। कितने दिन ट्रीटमेंट चला था वहाँ? वहाँ पर लगभग 15 दिन। रिकवरी कैसी रही है? रिकवरी तो सर आपके पास आने के बाद रिकवरी हुई है, काफी अच्छी रिकवरी रही है अपने पैर की मम्मी। दोस्तों, हमारे पास जब आई थी तो सेमी पैराटिक कंडीशन थी इनकी, यूरिन और बावल का कंट्रोल बिल्कुल नहीं था इनके पास, कैथेटर पड़ा हुआ था। और 10 डेज का इनका ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल में चला था जिसमें एडमिट होकर के इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, बट किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ था उसमें। वीकनेस बहुत ज़्यादा थी जो हमारे पास में आई थी। इनका वेट कितना वेट था इनका उस समय? 38 kg। वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, खाना पीना कुछ नहीं खा पा रही थी। और 10 डेज का मैंने फर्स्ट सिटिंग ट्रीटमेंट लिया था। आपको आराम कब से आना शुरू, क्योंकि जैसे हम आपका फीडबैक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पेशेंट के दिमाग में क्वेरी होती है कि ट्रीटमेंट का तो डाल देते हैं लेकिन फीडबैक नहीं डालते हैं। पेशेंट को पता नहीं आराम मिला कि नहीं मिला, एक दिन का ट्रीटमेंट करा करके कौन पता चल जाता है कि किसको कितना आराम। तो चूंकि आप ट्रीटमेंट के बाद आए हैं जी, काफ़ी एक लंबा समय हो गया है, तो कितने दिन बाद आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था? सर रिस्पॉन्स तो जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी जी, आपको जो नली पड़ी हुई थी वो नली कब निकली है आपकी, कितने दिन बाद? 1.5 महीने बाद। और यहाँ ट्रीटमेंट के बाद कितने दिन ट्रीटमेंट हुआ था जब निकला था वो यहाँ पर? सर यहाँ पे 15 दिन। 15 दिन ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद में नली पूरी तरह से निकल गई थी और 1.5 महीने पहले से पड़ी हुई जी सर, है ना। यूरिन कैथेटर था और इनको करीब 1.5 महीने से पहले से पड़ा हुआ था। मेरे पास ट्रीटमेंट, मैंने चूंकि कैथेटर में ही दिया था ट्रीटमेंट, बहुत ही प्रिकॉशनली मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया, बहुत प्रिकॉशंस लिया क्योंकि उसमें बहुत वीक भी थी। बोन्स में इनको माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी बनी हुई है, तो उस समय दोस्तों इनको ऑस्टियोपोरोसिस की भी कंडीशन थी, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशियसली हमने इनको ट्रीटमेंट उसे दिया और कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट दिया, पंचकर्म के कुछ प्रोसीजर्स कराए, कटी बस्ती कराया इनको, एनिमा कराया इनको, अभ्यंग पूरी तरीके से कराया गया और आफ्टर 15 डेज कैथेटर रिमूव हो गया। उसके बाद यूरिन का कंट्रोल, कुछ दिन तक इनको पेन वगैरह होता था ना, जब आपको नली निकल गई थी तो कुछ दिन दर्द होता था ना। हाँ, कुछ दिन दर्द होने के बाद में फिर आपका वो बाथरूम का रंग बहुत दर्द होता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो सारी चीजें, हाँ, फिर उसके बाद नली की जरूरत नहीं पड़ी और तब से आज तक इनको किसी भी तरह के कैथेटर की जरूरत नहीं है। पैरों में जो सेंसेशन था वो बहुत कम था इनका, मसल्स वास्टिंग बहुत ज्यादा थी, वीकनेस बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी जो इनका वेट है, आज का जो वेट है इनका वो 48 kg है। ये एक बहुत ही गुड सिम्टम है इनके रिकवरी का। और अब आप सीढ़ी उड़ी भी चढ़ रही हैं आप आराम से, है ना, घर का काम भी कर लेती हैं कभी कभी मना करने के बाद भी जी, है ना। मतलब कोई, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना ये सब कुछ करने में भी? हाँ, खाना वाना ना रहते जब क्यों ना, तो खाना ना बनाए। हाँ, अपने आप से चल ले रही है, मतलब अब सब बढ़िया है, कोनो दिक्कत उस तरह फील नहीं होता। हाँ, पैर की मोटाई बढ़ गई ना आपके, थोड़ा सा मोटा हुआ ना पैर पहले से, अभी थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो रही है। जो राइट लेग का जो टो है उस पर थोड़ा सा सेंसेशन कम है, लेकिन आई होप कि वो भी बहुत क्लियर रहेगा और कुछ दिन में और अच्छा हो जाएगा।